तो सब्सक्राइब करें। हरदोई का होलिका और हिरण्याकश्यप से पुराना नाता है। हिरण्याकश्यप हरदोई का राजा था और होलिका उसकी बहन थी। हिरण्याकश्यप के प्रभु भक्त पुत्र को जला देने की साजिश में होलिका भस्म हो गई थी और तब से ही होलिका दहन शुरू हो गया। होलिका दहन को अहंकार के दहन के रूप में भी जाना जाता है। हरदोई का राजा हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उसकी मौत न तो सुबह होगी न शाम को, न उसे जानवर मारेगा और न ही मनुष्य। साथ ही यह भी वरदान दिया था कि उसकी मौत न तो आकाश में होगी और न ही धरती पर। ऐसे में हिरण्याकश्यप ने खुद को भगवान मान लिया था। इसके बाद वह अहंकार में इतना चूर हो गया था कि अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगा दी थी। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। इसके कारण हिरण्याकश्यप प्रहलाद से नाराज रहता था। कभी उसने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से गिरवा कर मौत के आगोश में देने की कोशिश की, तो कभी हाथी के पैरों से कुचलवा कर मार डालने की साजिश रची। भगवान विष्णु की कृपा से हर बार प्रहलाद बच जाता था। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक ऐसी दुशाला थी जिसे ओढ़ने पर उसके ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अपने भाई हिरण्याकश्यप के साथ मिलकर उसने यह साजिश रची कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा कर अग्नि में बैठ जाएगी। दुशाला के प्रभाव से उसको कुछ नहीं होगा। नरसिंह भगवान की मूर्ति है और हिरण्याकश्यप को जो है इसने ब्रह्मा जी की आराधना की थी, वरदान प्राप्त किया कि हमको अमर का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो देवता भी नहीं है, तो हमको ऐसा वरदान दीजिए न दिन हो न रात हो न अस्त्र हो न शस्त्र हो। तो ये नरसिंह रूप प्रकट किया भगवान ने मारने के लिए, तो इसको जो है भगवान नरसिंह ने मारा और धारते हुए बोले हिरण्याकश्यप मैं ही तुम्हारा काल हूँ, तो कल मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि मुझे अमर का वरदान मिला है। तो कहने अमर तो इस संसार में कोई नहीं हुआ, देवता भी आए उनको भी जाना पड़ा। तो भगवान ने उसको उठाकर अपनी जांघों पर लिटा रहा है और वहीं से धाड़ते हुए पेट फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप मैं ही तेरा काल हूँ, नरसिंह रूप में आया हूँ, मैं ही तेरा विष्णु हूँ। तो उनने कहा कि ये तो ना नर हो ना सिंह हो। तो कहने देखिए ना मैं नर हूँ ना सिंह हूँ और ना तो मेरे कोई अस्त्र है। तो नाखूनों से भगवान नरसिंह ने पेट चीर दिया और चीर कर उनकी आंतें पीते सभी अपने गले में डाल कर और बहुत क्रोधित हुए। तो क्रोध शांत नहीं हुआ, माता लक्ष्मी जी अभी आई, भगवान नरसिंह को शांत नहीं कर पाएं। तो प्रहलाद को शंकर भगवान ने कहा कि भक्त को आगे करो, तो भक्त के वश में होते हैं भगवान। तो भगवान हिरण्याकश्यप को मारकर फिर भक्त प्रहलाद उनके चरणों में गिरे नरसिंह रूप में, और फिर भगवान नरसिंह ने इनको उठाकर बैठा ला अपनी गोदी में और जीभों से चाटा है बड़ी देर तक। तब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। अब बोले भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मैं बड़ी देर में आया हूँ। तो कहने चाहो तो जो तुम मांगो हम तुमको दे देंगे। तो कहने मेरे पिता की मुक्ति कर दीजिए प्रभु। तो कहने इतना अत्याचार किया तुम पर भक्त प्रहलाद, फिर भी तुम अपने पिता की मुक्ति के लिए सोचो। तो कहने ये मेरे पिता थे। तो कहने जब हम किसी का संहार करते हैं, किसी को मारते हैं, तो उसका तो पहले ही मुक्ति हो जाती है। तो भगवान नरसिंह ने गोद में बैठाकर आशीर्वाद दिया, वहाँ का राजा बना दिया भक्त प्रहलाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि देश में सबसे ज़्यादा बढ़िया त्यौहार होली त्यौहार है और जो कि 4 दिन के बाद आने वाला है, और हम वही मौजूद हैं जहाँ से होली की शुरुआत हुई थी। मान्यताएं हैं हरदोई में कि होली का त्यौहार हरदोई से ही शुरू हुआ था और हम वहीं पे मौजूद। होली की शुरुआत हुई थी वो जगह जहाँ प्रहलाद कुंड है और हिरण्याकश्यप की नगरी बोली जाती है हरदोई। रची की वह प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा कर अग्नि में बैठ जाएगी। दुशाला के प्रभाव से उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जलकर मर जाएगा। होलिका प्रहलाद को लेकर जैसे ही अग्नि में बैठती है वैसे ही हवा चलने लगती है और उसका दुशाला उड़ जाता है। इसके कारण होलिका भस्म हो जाती है, लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्रहलाद एक बार फिर बच जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन के 2 माह बाद ही हिरण्याकश्यप भी नरसिंह भगवान के हाथों काल के गाल में समा गया। हरदोई में अब भी प्रहलाद कुंड बना हुआ है, साथ ही नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। कुछ वर्ष पहले तक प्रहलाद टीला भी यहाँ पर था, लेकिन अब यह अपना अस्तित्व खो चुका है। बुजुर्ग बताते हैं कि टीले का विस्तार बिलग्राम मार्ग पर नारामल स्कूल तक और उत्तर में आलूथोक मोहल्ले तक था। ऐसे पड़ा हरदोई नाम। पूर्वजों की माने तो हरदोई में ईश्वर के 2 अवतार हुए हैं, पहला अवतार नरसिंह का और दूसरा वामन का। 2 अवतार के कारण शहर का नाम हरिद्वई था। बाद में भाषांतर के चलते इसका नाम हरदोई पड़ गया।